सिविल सर्विस डे के अवसर पर भोपाल के आरसीपीवीपी नरोनहा प्रशासन अकादमी में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिविल सर्विस केवल करियर नहीं है बल्कि ये देश के निर्माण का और जनता की सेवा का अभियान है। जनता की सेवा करते हुए जनता की जिंदगी बदलने का कार्य ये करते रहे। सीएम शिवराज ने इस दौरान कोरोना काल में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम के कार्यों की सराहना भी की। एक कलेक्टर पूरे जिले को बदल के रख देता है, एक अकेला एसपी पूरी कानून और व्यवस्था जिले की राइज कर देता है। अभी प्रेजेंटेशन में हमने देखा, हमने थोड़ा प्रयास किया, 21,000 एकड़ जमीन मुक्त करा ली 12,000 करोड़ की। हमने तय किया ना, थोड़े से दिनों में करके रख दिया हमने। वो उपलब्धियां अगर गिनाऊं तो घंटों हो जाएंगे। देखिए, हमारे किसी काम से अगर हम लोगों की जिंदगी बदल दें, देखिए एक विकास का काम है, इंफ्रा से लेकर दुनिया भर के आप सब जानते हैं, वो भी देश के लिए योगदान है। एक लोगों की जिंदगी बदलने का काम है और यह सौभाग्य हमको ही मिला, हर एक थोड़ी कर सकता है। हमारा डिलीवरी सिस्टम ऐसा हो जाए कि हर एक पात्र व्यक्ति तक हम सेवा का लाभ पहुंचा पाए। कई बार गुस्सा आती है, अगर कोई राशन किसी के पास नहीं पहुंचा तो फिर मतलब क्या हमारे रहने का? पीएम आवास का एक एक किस्त समय पर नहीं मिली तो मतलब क्या है? जब ये चीजें आती तो बेचैनी होती और हम कहते हैं और बेहतर करें हम लोग। तो ये लोगों के लिए अपनी जिंदगी काम में आ जाए, देश के लिए मरना थोड़ी, देश के लिए जीना है। अब एक गाना मुझे बहुत पसंद है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है दिल जमाने के लिए। हम उसको और बेहतर करके, और उसके लिए हमें सुधार लाना होगा तो लाएंगे। अब मैं तो मुख्यमंत्री बनने के पहले कभी मंत्री रहा ही नहीं, लेकिन एक दिन भी मुझे नहीं लगा कि मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं तो कैसे करूं। अपने आप रास्ता मिलता जाता, सोचते हैं रास्ता मिल जाता है। तो बेहतर से बेहतर कैसे अपनी जिंदगी का उपयोग हो, क्योंकि आप वो हो जो देश बदल सकते हो, प्रदेश बदल सकते हो, लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। हर एक के पास ये हक नहीं है, अधिकार नहीं है। डीएनएन न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ राकेश अग्निहोत्री की बीती रात ट्रेन